नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आपसे एक वादा किया था कि जब हम आज के पहले यानी कि कल की बात है, जब एक वीडियो आपका अनुसूची के दिया जिसमें अनुसूची को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे वहां से आप देख लेना। और हमने एक छोटी सी वादा किया था कि भाग भी लेकर के आएंगे, तो आज जो संविधान में 22 भाग हैं उनको हम लेकर के आए हैं। देखिए, इस बोर्ड में जितना एडजस्ट होने को हुआ वो हमने किया, लेकिन अभी यहाँ तक 18 तक ही एडजस्ट हो पाया है। इसको देखने के बाद आगे हम उसको भी बता देंगे। तो चलिए एक एक करके पहले भाग के तरफ चलते हैं। इस तरफ भाग लिखा हुआ है और ये अनुच्छेद लिखा हुआ है ना, कि किस कौन से भाग जो है कितने अनुच्छेद तक है। तो पहला जो भाग आपका हो गया ये है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भाग नंबर 1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए याद रखना। अनुच्छेद की अगर बात करें कि पहला अनुच्छेद, पहला जो भाग है वो कितने अनुच्छेद है, तो 1 से 4 तक के अनुच्छेद है। 1 से 4 तक में संघ यानी कि केंद्र जो कौन सी संघ वाली बात कर रहा, यहाँ पे राज्य क्षेत्र यानी कि अपना राज्य और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, ये पूरा जो अपना आएगा ये सारे आपका पहले भाग में आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा आपका है नागरिकता। दूसरे भाग में नागरिकता का विवरण किया गया है और नागरिकता जो आपका है 5 से 11 तक है। नागरिकता अनुच्छेद कितना, 5 से 11 तक आती है, नागरिकता हो गया। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है। अब इसको अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार रखा गया। देखिए, पेपर में बहुत बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश की संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के देन है, अमेरिका के संविधान से जो है वहां से लिया गया है, और 12 से 35 तक अपने मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो पहले 7 था, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति के अधिकार था मौलिक अधिकार में, उसको यहाँ से हटा दिया गया है और उसको संविधान के अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है, इस बात को ध्यान देना। और अगर नीति निर्देशक की बात करोगे तो नीति निर्देशक जो तत्व है इसको अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इसको आपसे पूछा जाए कि किस संविधान का देन है, तो ये आपका किस देश की देन है, तो ये जो है आयरलैंड की संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। और 4 के क्रम में, 5 नहीं 4 के क्रम में याद रखना मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों की संख्या अभी 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11 है। इसे सोवियत संघ से लिया गया, सोवियत संघ रूस जिसको कहते हो आप, वहां से मूल कर्तव्यों को लिया गया। इसकी जो अनुच्छेद है 51 से 1 में रखा गया है, 51 के क्रम में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। और ये 4 के क्रम, देखिए यहाँ पे 4 के क्रम और इधर 51 के क्रम। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कहाँ से लिया गया, तो रूस या सोवियत संघ से कह देना। ठीक है, अगर संघ की बात करें, संघ का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 संघ है। राज्य क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो राज्य क्षेत्र आपका 152 से 237 तक पड़ता है, 152 से 237 तक। इधर बार बार बता दे रहे हैं कि ये सब जो है अनुच्छेद है जी, अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां भाग में पड़ता है कि पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य था उसको निरस्त कर दे, ये अनुच्छेद 238 में था, इसको निरस्त यानी कि इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो 8वें भाग पर आ जाइए। 8वां भाग में राज्य संघ का राज्य क्षेत्र है, संघ के राज्य क्षेत्र को कितना अनुच्छेद हो जाएगा, तो 239 से 242 तक, 239 से 242 तक आपका संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर पंचायत को आप देखो तो पंचायत कहाँ से हो जाएगा, तो पंचायत 243 के क से न तक है, यहाँ पर टोरगी न लिख लेना, न तक, क से न तक 243 में आपका पंचायत आता है ना। और एक चीज बताया था अनुसूची में, कल ही बताया कि अनुसूची जो है किस पंचायत जो है किस अनुसूची में है, तो यहाँ पे 11 अनुसूची में पंचायत है ना, 12 में नगर पालिका था। तो ये चीजें हमने कल ही आपको कल की वीडियो बता रखा है अनुसूची वाले में, है ना। अगर 9 में देखिए, 9 के हो गया पंचायत और 9 के क्रम में नगर पालिका आ जाता है, 9 के क्रम में ही नगर पालिका है। और नगर पालिका आपको 243 के त से लेकर के 243 के यच तक नगर पालिका को रखा गया है।
उसके बाद है आपका नौ के ख में, तो सहकारी समिति को रखा गया। नौ के ख में आपका सहकारी समिति है, ठीक है। अब सहकारी समिति 243 एज, याद रखना 243 एज से एन तक है, 243 के एज से एन तक आपका क्या है, सहकारी समितियां को है, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे अनुसूची अगर भाग 10 की एक बात करोगे तो भाग 10 में यहां तक दिख रहा है, हाँ दिख रही है। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, ये आपका 244 से 244 के क तक है, क्लियर हो गया। अगर आप 11 को देखो, 11 में संघ और उस राज्यों के बीच का संबंध है, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों के बीच का जो संबंध है वो आपका 11 भाग में है। अनुच्छेद पूछे तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना 245 से 263 तक इसको रखा गया है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ है और राज्यों के बीच का संबंध। वही अगर वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद की बात करें तो ये आपका 246 से 300 के कम रखा गया है। वित्त संपत्ति देखिए, अभी अभी बताया कि जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, वहां से इसको हटा करके कहाँ रखा गया, तो इसको 300 के कम में रखा गया है। 300 के कम में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, और इसी में आपका वित्त भी आ जाता है और यहीं पे आपका संविदा वाद विवाद सब यहीं पे आ जाएगा, क्लियर हो गया। एक मिनट, और उसके बाद देखिए 13 भाग की अगर बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसमें जो आर्टिकल बताया गया है वह है आपका 301 से 307 तक। राज्य के क्षेत्र जो व्यापार वगैरह होगा वो सब उससे के जो रिलेटिव अनुच्छेद हो गए वो 301 से 307 तक हो गया। अगर 14 भाग की बात करें तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, ये आपका 308 से 323। एक चीज यहाँ पे गौर करना और बहुत ध्यान से और याद रखना कि जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच के जो संबंध है, संबंध है, तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध, लेकिन अगर संघ और राज्यों के बीच के राज्यों के अधीन सेवाएं की बात करें कि इसको कौन से काम दिया जाए तो आपका 308 से 323 तक हो जाएगा। 14 के क में अधिकरण है और अधिकरण आपका 323 के क से 323 के ख तक दो अधिकरण यहाँ पर रखा गया, दो अनुच्छेद है। निर्वाचन आपका भाग 15 में आ जाता है, है ना, निर्वाचन आपका भाग 15 में इसको 324 से 329 तक रखा गया है, 324 से 329 तक क्या है, निर्वाचन आ जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ वर्गों के जो संबंध के विषय में कुछ उपबंध है वो आपका 330 से 342 तक है, और ये भाग आपका 16 में, निर्वाचन भाग 15 में, अधिकरण 14 के क में, और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, ठीक है। और राज्य की अगर बात करें, राज्य, राज्य भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राज्य की भाषाएं हैं, जितने संविधान में भाषाएं हैं वो सब का उल्लेख 343 से 351 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद में रखा गया। यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर में कि आपात उपबंध, तो जो आपात उपबंध है वो 352 से 360 के बीच में रखा गया। आपात उपबंध जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है, जब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है तो उस टाइम क्या है कि जो मौलिक अधिकार है वो उसको खत्म कर दिया जा सकता है, लेकिन जो जिंदगी का अधिकार है, जीवन जीने की जो अधिकार है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है ना। बाकी जो राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो आपका बहुत सी स्वतंत्रता है जो है उस टाइम बंद कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ तक 18 लिखे, उसके बाद देख लेते हैं आप 18, 19, 20, 21, 22 ये सब जो तीन चार बचा उसको अच्छे से अब देख लेते हैं। अभी तक आपने जो है भाग नंबर 18 तक देख लिया, अब जो आपका चार भाग बचा था वो हो गया और कुछ इस तरह से हमने लिख लिया है। देखिए लिख लिख करके इसलिए बता रहे ताकि आपका जो है और हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग का उब ना जाओ, है ना। तो प्रकीर्ण की अगर बात करें, 19 नंबर भाग में प्रकीर्ण है और ये आपका 361 से 367 तक है प्रकीर्ण। संविधान संशोधन आपका 20वें अनु जो है भाग में है, 20वें भाग में संविधान का
संशोधन रखा गया है। और अनुच्छेद की वही बात करोगे तो 368 अनुच्छेद में है, 368 में जो है संविधान का जो है अनुच्छेद संशोधन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन और भाग जो है 20। अगर 21वें भाग की देखा जाए तो 21वें भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंधों के बारे में विवरण मिलता है और ये आपका अनुच्छेद जो है 369 से 392 तक हो जाएगा, ठीक है। वही अगर अब लास्ट भाग की बात करो, भाग जो 22 है, तो इसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह इसी में। संक्षिप्त नाम, किसी का राज्य वगैरह नाम चेंज करना या कोई जगह का नाम चेंज करना, तो आपका भाग भाग जो है 22 में ही आएगा। और अनुच्छेद की बात करो तो 393 से 395 के बीच में है। देखिए आज के लिए इतना ही वीडियो रहा और भाग इसमें कवर करवा दिया, अब एक एक करके पार्ट बाय पार्ट करके जो है आपका अनुच्छेद को कवर करवा देंगे। तो कल की जो वीडियो हमारा रहेगा वो है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार सी वीडियो में। धन्यवाद।